वन आई एम आकाश अग्रवाल योर मैथ्स ट्यूटर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर बीकॉम बीएमएस बीबीआई बैव बीएफएम एफ एम विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स सब्जेक्ट एक्चुअली सो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में यूजुअली यू विल बी एनकाउंटरिंग मैथ्स सब्जेक्ट सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स है बी कॉम बीबीआई बी या बैफ जो भी आप बोलो उनके सिलेबस का एक शॉर्ट ओवरव्यू अपन देखने वाले वेन एवर वी आर सींग सिलेबस का डिस्कशन शॉर्ट पेपर पैटर्न का डिस्कशन अपन करेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैथ्स लेक्चर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो वर अबाउट मैथ्स लेक्चर्स फॉर दीज स्ट्रीम्स तो स्टार्ट तो करते हैं सबसे पहले बी के सिलेबस की अगर अपन बात करें मैंने स्क्रीन रखे हैं जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे अगेन क्या है ना ये जो फर्स्ट ईयर है वॉट एवर स्ट्रीम यू चूज मुंबई यूनिवर्सिटी है या बहुत सारे ऑटोनॉमस अभी तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई है कॉलेज ऑटोनॉमस हो गई है टेक्निकली सिलेबस काइंड ऑफ सेम है मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर अगर मैं मिक्स करूँ तो बहुत ज़्यादा क्या होता है सेकेंड सेमिस्टर का कोई सब्जेक्ट या कोई सिलेबस कोई चैप्टर्स फर्स्ट में हो जाते हैं या अदर वे अराउंड या कुछ एक दो एक्स्ट्रा है कुछ कम ज़्यादा है वो चीज़ें होती है तो लगभग काइंड ऑफ ये होगा मे बी यू आर इन विचेवर कॉलेज और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी और मुंबई से जो भी है तो अगर बीकॉम के फर्स्ट सेमिस्टर की बात करें बीकॉम में अगेन दो सेमिस्टर में मैथ्स होगा सेम वन सेम टू फर्स्ट सेमिस्टर में नाम क्या है मैथामेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वन सेकेंड में मैथामेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू अगर अपन बात करें मोटा मोटा फाइव यूनिट से दिख रहा है वन टू तो, थ्री फोर फाइव तो टेक्निकली इन एनी स्ट्रीम टेक्निकली देर विल बी फाइव यूनिट्स ऑन एन एवरेज हाँ ऐसा कुछ एकदम फिक्स नहीं है मैं एवरेज दे रहा हूँ फर्स्ट यूनिट में किसकी की हो रही है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू यूनिट टू पोम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये दो मेन टॉपिक्स होंगे पोम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और इसको एल पी पी शॉट में बोला जाता है थर्ड यूनिट अगेन अगर आप देख रहे हो नाम क्या बोला मैथामेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तो ये यूनिट वन यूनिट टू मैथ्स पर फोकस करता है यूनिट थ्री फोर फाइव स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करता है तो भाई इधर आ गया इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएगा आपको उसके बाद में प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्टैटिस्टिक्स और फिर डिसीजन थियरी तो ये पांच यूनिट है आपको सेमिस्टर वन में सेम सेमिस्टर टू की भी शॉर्ट में बात करेंगे अपन टॉकिंग अबाउट पेपर पैटर्न मुंबई टी में यूजुअली कैसा होता है यार हंड्रेड मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है तो टेक्निकली अगर देखने गए पांच यूनिट से आपको दिख रहा है हर एक यूनिट बीस मार्क का बीस मार्क बीस मार्क बीस मार्क बीस मार्क बीस मार्क तो हंड्रेड मार्क्स का रिटर्न पेपर ऐसा यूजुअली होता है कुछ कुछ जगह पर या ये जो नई चीजें हो रही है ऑटोनोमस ये वो ये सबका अपना अपना पेपर पैटर्न होता है टेक्निकली आपके कॉलेज से आपको उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बट आपको एक ओवरव्यू देता हूं मैं बहुत बार आपको ऐसा देखने मिलेगा 75 25 पैटर्न सो so 25 फाइव इंटरनल्स सेवेंटी फाइव मार्क्स का रिटर्न पेपर तो अब फिर क्या हो जाएगा हर एक यूनिट पंद्रह मार्क का फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी कुछ कॉलेज में सिक्सटी फोर्टी होता है फोर्टी मार्क्स इंटरनल सिक्सटी मार्क्स का रिटर्न पेपर तो वो केस में अगर, अगर अपन पांच से सिक्सटी को फाइव यूनिट से डिवाइड करें तो बारह मार्क हो जाएगा क्लियर तो ट्वेल्व फाइव से तो हर एक यूनिट वो केस में बारह मार्क का आएगा आप समझ रहे तो टेक्निकली पेपर पैटर्न फॉर बी कॉम वुड बी टेक्निकली हंड्रेड मार्क्स का रिटर्न पेपर और सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और सिक्सटी फोर्टी डिपेंड्स कॉलेज से आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा ये बी कॉम का फर्स्ट सेमिस्टर था ये बी कॉम का सेमि सेकेंड सेमिस्टर की बात करेंगे अगेन पांच यूनिट से आपको दिख रहा है फर्स्ट यूनिट फंक्शन डेरीवेट इज एप्लीकेशन तो थोड़ा बहुत आपने शायद डिफ्रेंसिएशन जैसे सुना होगा तो ये फर्स्ट पार्ट में वो आएगा सेकेंड पार्ट इंटरेस्ट एनुइटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट फिर एनुटी जो इंस्टॉलमेंट्स आप भरते हो उससे रिलेटेड नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स पार्ट को रिलेशन रिग्रेशन आ जाता है तो इसको मैं दो टॉपिक बोलूंगा एक यूनिट में फिर टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर अगेन दो टॉपिक बोलूंगा यूनिट में और इसमें प्रोबेबिलिटी जो आपने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था उसका बड़ा भाई उसका नेक्स्ट वर्जन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें और प्रोबेबिलिटी की बातें होगी तो प्रोबेबिलिटी दोनों सेमिस्टर में काम आ रहा है और टेक्निकली टेक्निकलीजी होता है कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है बट इधर भी सेम दिख रहा है आपको पांच यूनिट हंड्रेड मार्क्स का पेपर है तो हर एक बीस का आएगा अगर सेवेंटी फाइव का तो पंद्रह मार्क्स सिक्सटी मार्क्स का तो बारा आप आप समझ रहे ये हुआ बी कॉम का नॉलेज टॉक अबाउट बीएमएस बीएमएस में सेमिस्टर वन में जो आपको मैथ्स मिलेगा उसको बोलेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जो सेमिस्टर टू में मिलेगा उसको बोला जाता है बिजनेस मैथमेटिक्स अगेन ऑटोनोमस होगा तो थोड़ा तो बहुत नाम में चेंजेस हो सकता है बट इफ यू सी फर्स्ट सेमिस्टर में टेक्निकली ये ये वाला सिलेबस आपको यूजुअली मिलेगा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है ये पूरा इंट्रोडक्शन से लेके सेंट्रल टेंडेंसी फिर इधर देखेंगे तो डिस्पर्शन की बात हो रही है कोरिलेशन रिग्रेशन ये सब अपने बी कॉम में भी देखा प्लेन बी कॉम में टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर्स और फिर प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी चार यूनिट्स बोला है ऐसा देखने का तो मोटा मोटा चार यूनिट्स ठीक है अब अगर मैं बी के पेपर पैटर्न की बात करूँ तो टेक्निकली सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव जगह पर होता है ट्वेंटी फाइव मार्क्स का इंटरनल्स सेवेंटी फाइव मार्क्स का रिटर्न पेपर थियोरी पेपर जो मतलब थियोरी नहीं सॉल्व करना है टेक्निकली उसमें थ्योरी भी आती ऑब्वियसली तो भाई अब बी एम एस में सेवेंटी फाइव मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होगा और ट्वेंटी फाइव मार्क्स का इंटरनल्स होगा सेम वन में बिजनेस टैक्स सेम सेम टू में बिजनेस मैथ्स अब इसमें क्या क्या है ये पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फंक्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेकेंड यूनिट की बात करें तो मेट्राइस एंड डिटमेंट्स थोड़ा बहुत स्कूल में टेंशन में डिटमेंट्स किया रहेगा थोड़ा बहुत लेवेंथ ट्वेल्थ में ज्यादा होता है बट एनी आगे थर्ड में पूरा डिफ्रेंसिएशन आ गया डिफ्रेंसिएशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंसिएशन और फोर्थ यूनिट में न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसमें अगर आप देखेंगे तो भाई फॉरवर्ड डिफरेंस न्यूटन सब ऑपरेटर ये सब थोड़ी चीजें होती है बट अगेन सेम टू वुड बी सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टेक्निकली या डिपेंड्स अपॉन योर ऑटोनोमस ओके अब बहुत जगह पर ऑटोनोमस में कैसे होते हैं मालूम सेम वन के कुछ टॉपिक्स इधर से लिए सेम टू का एक अधिक टॉपिक इधर से लिए तो देर वुड बी सम मिक्स मैच दैट दैट शूड ली फाइन डिपेंड्स अगेन ऑन योर ऑटोनोमस कॉलेज फेर एवर यू आर अटेंडिंग उन लोग आपको एक्जैक्ट बताएंगे ना टॉपिक टॉकिंग अवउट द थर्ड बी बी आई बैंकिंग इंश्योरेंस वाला राइट right? तो उसको अगर आप देखें सेम वन में क्या बोला बी बी आई में सेम वन की अगर बात करें नाम क्या है क्वांटिटेटिव मेथड्स वन और जो नेक्स्ट लाइड आपने देखा क्वांटिटेटिव मेथड्स टू तो भाई मैथ्स के दो नाम इधर क्या आगे क्वांटिटेटिव मेथड्स वन एंड टू इधर थोड़ी चीजें अलग है बट टॉकिंग अबाउट सेम वन क्या क्या दिख रहा है आपको भाई स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये पूरा सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन बी कॉम बी एम एस में बात किए थे अपन को रिलेशन रिग्रेशन सेम प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी काइंड ऑफ सेम इंडेक्स नंबर्स और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया इंश्योरेंस बिकॉज बीबीआई इंश्योरेंस मैटर तो भाई ये चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बी, बी ये पूरा सिलेबस आपको टेक्निकली फर्स्ट सेमेस्टर में दिखेगा टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेमेस्टर नाम क्या है क्वांटिटेटिव मेथड टू इसमें चीजें थोड़ी एकदम नई टाइप होगी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिसिस फिर एल पी पी लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें कुछ और नई चीज़ें हैं आपके लिए मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट तो शायद आपने देखा वी एम एस में था रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फिर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा मैटर करेगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़ा बहुत चीजें इसमें थोड़ी बहुत भी होती है बट एनीस तो ये हुआ सेम विद रिस्पेक्ट टू पीपीआई अब एक और नया ब्रांच के बारे में बात करें बी एफ एम नए मतलब अबाउट बी एफ एम अगेन दोनों सेमिस्टर में आपको मैथ्स मिलेगा फर्स्ट सेम में नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स विच कंप्राइजेस ऑफ दिस फोर यूनिट्स मोटा मोटा रेशो प्रपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट एनिटी शेयर एंड म्यूचुअल फंड तो टेक्निकली सब अगर आप देखें कोई भी ब्रांचेस में टेक्निकली थोड़ा बहुत चीज़ें कॉमन है बिकॉज ये सब चीज़ें कोई भी कॉमर्स फील्ड में जाओ इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स ये चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है ये हुआ बी का फर्स्ट सेमिस्टर जिधर नाम है बिजनेस मैथ्स सेम टू की बात करूँ तो नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है भाई ये पूरा अपना स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन सैंपल की बातें सिर्फ थोड़ी ज़्यादा है बाकी सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन कोरिलेशन रिग्रेशन फुल स्टैट्स तो ये एक सही है एक सेमेस्टर में पूरा मैथ्स पढ़ लो एक सेमेस्टर में पूरा स्टार्ट पढ़ लो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बी एफ एम राइट नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट बैफ अगर मैं फर्स्ट ईयर बैफ की बात करूं अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग फाइनेंस जो भी आप बोले इसमें एक सेमिस्टर में मैथ्स होता है तो मैंने इधर लिखा है वन स्लैश टू अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं टेक्निकली सेकेंड सेमिस्टर में होता है बहुत सारे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज फर्स्ट सेमिस्टर में लेते हैं कभी कभी दोनों में आधा आधा होता है डिपेंड्स तो डिपेंड्स आपके इधर क्या है अगर मैं बैफ के मैथ्स की बात करूं टेक्निकली दिस शुड बी द सिलेबस विच इज एक्चुअली सेम एज बी एफ एम का फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस रेश प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट एनिटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स अगेन इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज तो अगर आपने देखा अपना एकदम शॉर्ट ओवरव्यू लिया विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स प्लेन बी कॉम है बी एम एस कर रहे हो बीबीआई कर रहे हो बैफ कर रहे हो बी एफ एम कर रहे हो सब जगह पर मैच तो आपको आने वाला है तो ये सब चीजें थी और जैसे मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू पेपर पैटर्न हंड्रेड मार्क्स का पूरा रिटर्न हो सकता है प्लेन बी कॉम में बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव होता है ट्वेंटी फाइव इंटरनल्स होता है वो भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एक्चुअली और सेवेंटी फाइव जो है वो रिटर्न पेपर होगा जो इसमें से पूरा आने वाला है तो सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीजें समझना पड़ेगी तभी तो सम सॉल्व करेंगे एक्चुअल बड़े बड़े सम सॉल्व करने पड़ते पाँच मार्क के सात मार्क के आठ मार्क के दस मार्क के डिपेंड करता है जो आपका पेपर पैटर्न होगा अगेन दैट विल बी डिपेंडेड कित उस पर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क का कौन सा सम आपको आ रहा है बट भाई समझ विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैथ्स लेक्चर्स दैट यू विल गेट फ्रॉम माय साइड अगर आपको मैथ्स लेक्चर्स मेरे ज्वाइन करने हैं तो मेरे मैथ्स लेक्चर्स के क्या स्पेशलिटी है वो अपन बात करते हैं मेरे मैथ्स लेक्चर्स की कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सो तो ये जो अगर समझो आप जो भी स्टीम के लिए ज्वाइन कर रहे हो यू सर्जन फॉर बी तो भाई आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के जो आप आपके डिवाइस पे देख पाओगे एंड इट विल हैव अनलिमिटेड व्यूज तो वो कितने बार भी आप देख पाओगे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट एडिक्वेट प्रॉब्लम सोल्व ऑन ईच टॉपिक तो मैं जितने क्वेश्चंस वो वीडियो में आपके आपको करवाऊंगा दैट शुड बी वेरी मच इनाफ फॉर द होल सिलेबस स्टडी प्लान आपको एक रफली मेरे साइड से मिल जाएगा कि कब आपको क्या कवर करना है तो आपके पास एक डायरेक्शन है कि कौन से दिन क्या कैसे कवर करेंगे आप आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग तो ये अगेन मैथ्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपको अगर कभी भी डाउट्स आ रहा है आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपन क्या करेंगे ना जैसे आपको हर एक टॉपिक के वीडियोस मिल रहे हैं राइट आपको एक प्लान मिलेगा तो आफ्टर यू कवर ईच टॉपिक मैं आपको एक काइंड ऑफ एग्जाम शीट बोलूंगा मैं उसको जो किस पे बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स तो यार वो क्वेश्चन आप एज अ टेस्ट भी दे देंगे और यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन सब आपके कवर भी हो जाएंगे जितने भी अपने पास अवेलेबल है तो इधर आप मुद्दा समझ रहे राइट सो यू विल बी गेटिंग वीडियो लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट है यार बिकॉज आप में से बहुत सारे सी एस सी एस सी ए कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दूसरे जगह पर बहुत सारे एंगेजमेंट होते हैं तो वीडियो लेक्चर्स है तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से देख पाओगे दिस विल बी अवेलेबल फॉर सेम वन सेम टू फॉर ऑल द स्ट्रीम्स दैट आई डिस्कस्ड ये नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो फीस वाइज इफ यू ज्वाइन फॉर वन सेमिस्टर द फीस वुड बी ओनली ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जिसमें आपको पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में कवर किया जाएगा ये सब उसके फीचर्स है सो इफ़ यू प्लान टू जॉइन टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर अब उसमें एक चीज़ है जब भी, भी आप कॉन्टैक्ट करोगे प्रेफरेबली यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप एक्चुअली विद योर नेम आप कहाँ से हो और मेन आप कौन से कॉलेज से हो सो इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑटोनॉमस विद द कॉलेज नेम इफ यू कुड सेंड द सिलेबस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यार हमें आइडिया रहेगी कि आपके कॉलेज में क्या कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से यू नो वी कैन डिस्कस विद यू तो अब ऐसी वाली चीज़ है तो ऑल द बेस्ट फॉर यर फर्स्ट ईयर एंड मैथ्स विल भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई 11, 12 शायद मैथ्स किया है नहीं किया फर्क नहीं गिरता फर्स्ट ईयर का मैथ्स थोड़ा सही रखना बिकॉज जैसे आपने देखा हर स्ट्रीम में मैथ्स है और वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है यार एप्लीकेशन वाइज या आगे जाके आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो एम बी ए हो तो मैथ्स तो काम आने वाला है तो ये फर्स्ट ईयर के मैथ्स को ऑफ प्लीज बहुत सिंसियरली लीजिएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मी नो परफेक्ट जय हिंद スーパーフェク